ऑन स्ट्रीम जाने वाले सबसे पहले तो जाना जाएगा व्हाट काइंड ऑफ कमेंट यू आर गेटिंग. वेल राइट नाउ तो जैसे आपने कहा कि ट्रेलर जब से बाहर आया तो तब से काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है कि अरे सॉलिड बेबी कमना नॉटी, तो इसी किस्म का रिस्पांस रहा है. पीपल आर लाइकिंग द पंचेस इन द ट्रेलर एंड यस दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल शो बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन ऑल्ट बालाजी. तो जैसा ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है कि हम चाहते हैं कि फिंगर्स क्रॉस्ड वैसे हमारे शो को भी मिले. हाँ आई मीन आई एम गेटिंग सम वंडरफुल रिस्पॉन्स बिकॉज the audiences are you know very surprised to see me back and see me back like this and they have great expectations and they are like Shreya said they are all loving the trailer and our song is out too and it wo zaban pe chadh chuka hai already. main sunti rehti hu log usko hum karte hain to I think logo ko ab tak sab kuch bahut pasand aa raha hai and I am very confident that once it's out tomorrow on old balaji morning 7:45 people are going to watch it and you know festive season hai and you know ek bahut achhi masti wali shuruaat hogi and I'm really looking forward to this and I think they'll have a lot of fun. It's everything that everybody else said. Mera, for a second I said what else do I say to this because everybody said everything, but I will repeat what I've been saying. November 1st is my son's birthday, so send him your love and wishes and watch our show. It's funny, it's interesting. You've not seen this combination before and bahut mehnat ki humne show mein and I hope jo maza hame aaya jo mehnat humne ki hai wo sab nikal ke aapke samne bhi aa jaye aur aap enjoy kare hamare show ko. Please watch it, come now. Yeah, trailer to dekha sabhi ne, uske sath sath kal ek screening hui thi jisme humne ghar parivar doston ne kuch kuch media ne bhi dekha, to wo jo response tha jo hame कल महसूस हुआ जिन लोगों ने देखा, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है. बस उम्मीद करते हैं कि कल जब ये स्ट्रीम होना शुरू होगा तब वही रिस्पांस पूरे देश का भी होगा. सो या लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके सर, ये टाइप के यॉनर आपने इसके पहले भी किया है, सो व्हाई डिजिटल प्लेटफॉर्म? व्हाई नॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म? यू नो मतलब ऑफकोर्स कॉमेडी की है मैंने, लेकिन इस तरीके का किरदार मैंने कभी किया नहीं. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट यू गेट ऑन अ वेब प्लेटफॉर्म एंड एस्पेशली अ प्लेटफॉर्म लाइक ऑल्ट बालाजी विच जस्ट गोज आउट एंड यू नो प्रमोट्स हिज शोज टू द बेस्ट ऑफ देयर अबिलिटी बिकॉज दे बिलीव इन इट. दे आर कम्प्लीटली कन्विंस्ड विद द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स हाउ दे गो अहेड विद इट. सो व्हेन दिस वॉज ऑफर्ड टू मी, लाइक आई सेड कि आई हैव नॉट डन अ कैरेक्टर लाइक दिस, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड द आइसिंग ऑन द केक वॉज समवन लाइक अ फराद सामजी जो गोलमाल लिख चुके हैं, सिंगम लिख चुके हैं, एंटरटेनमेंट और हाउसफुल 3 डायरेक्ट कर चुके हैं. ही वॉज गोइंग टू बी राइटिंग एंड डायरेक्टिंग इट. सो आई एग्जैक्टली न्यू कि उसकी सेंसिबिलिटीज़ क्या है, वो इसको किस तरीके से लिखेगा, इसका पेस कैसे मेंटेन करेगा. एंड दैट्स द रीज़न आई इमीडिएटली अग्री टू डू इट बिकॉज ये नॉटी स्पेस में है लेकिन वल्गर स्पेस में नहीं है. तो वो लाइन हमने बिल्कुल मेंटेन की है कि शरारती है, लोग एंजॉय करेंगे, या तो अकेले देखो या दोस्तों के साथ देखो, या इवन अगर आपको फैमिलीज के साथ देखना है फैमिलीज के साथ देखो, बिकॉज वल्गैरिटी वाली कोई बात इसमें नहीं है. ओके क्योंकि सर आपको भी आपसे भी जानना चाहूँगा, ये फर्स्ट टाइम है जो आप बहुत ही डिफरेंट टाइप की कॉमेडी ट्राई कर रहे हैं. कॉमेडी बहुत डिफरेंट है, मैच्योर कॉमेडी टाइप में ज्यादा. अच्छा अच्छा, नॉटी टाइप. अच्छा नॉटी टाइप. तो क्या कहना चाहिए, न्यू जॉनर को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? पर वही है कि एक पूरी जनरेशन है भाई जो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है. और मैं ज़्यादातर अपने आप को मैंने देखा है कि मैं कहीं बाहर निकलता हूँ तो मुझे बच्चे बहुत मिलते हैं जो मेरा काम बहुत पसंद करते हैं, लार्जली बहुत 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 सारे बच्चे. जो ये है, ये शो, ये एक मतलब 14+, 15+ दैट एज ग्रुप विल रियली फ्रीक आउट बिकॉज वो लोग जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दोस्त मिलके बैठते हैं घर, मतलब घर परिवार नहीं लेकिन मतलब दोस्तों की जो गैंग मिलती है वो किस प्रकार से बातें करती है और किसी चीज़ को डबल मीनिंग पे कभी कभार ले जाते हैं वो, जबकि बात वैसी होती भी नहीं. तो ये ज़रा नॉटी है जो सब लोग अपना बातें इस तरह करते हैं लेकिन शायद इसके बारे में अपने घर में बैठ के परिवार से परिवार को बताते नहीं है जो भी. तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर है. मैंने पहली बार किया है प्रॉबेबली नॉटी ह्यूमर, पहली बार अटेम्प्ट किया है लेकिन मुझे करने में बड़ा मज़ा आया भाई. मुझे तो अच्छा लगा कि ये थोड़ा अलग है और आई होप जो लोग देखेंगे उसे इंजॉय करें. ओके शिफाली मैम, आप बहुत टाइम बाद वापस आ रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत है, इतने टाइम के बाद क्यों? क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में थी. मैं सिर्फ डांस करती थी और मुझे बस वहीं रहना था.
एंड इस साल की शुरुआत हुई तब मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगी, थोड़ा चैलेंजिंग कुछ करेंगी, और मैंने मन बनाया. नेचुरली मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप एक्टिंग था. एंड जस्ट व्हेन मैंने अपना मन बनाया, आई थिंक इट ऑल वर्कड आउट एंड बेबी कामना वॉज ऑफर्ड टू मी. एंड आई कुड नॉट, देर वॉज नो वे आई कुड से नो टू इट. आई मीन जस्ट लुक एट द होल सेटअप. आई मीन आई थिंक दिस इज अ ड्रीम डेब्यू फॉर मी. एंड जैसे ही आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग सो मच ऑफ मी. एंड आई होप, आई विश, आई प्रे दैट आई कैन live up to their expectations. Okay, Mansi ma'am, you are known as a multi-talented. So, oh, sweet, especially your singing has been appreciated by many people. Thank you. So, will you be able to see your singing talent in this web series? Mein nahi, hopefully in Baby Kamna Part 2. Maybe. But no, is mein nahi, but hopefully comedy pehli baari kiya hai. Yeah, this somebody else is doing all the singing. But hai humara ek, kya hai line is song ka? Baby, baby, baby kamna. बाकी लेडीज इनको पता है. खोले जबी ये लंबे बाल, चुराए दिल हुआ बुरा हाल, खड़ा हो गया आज फिर ये सवाल, बड़ा हो गया तुमसे मिलने का ख्वाब, ऐसे तू देखती रहे ऐसे मैं लेता रहूं नैनों से नैनों के बाल, कुछ कुछ कमरे में कोई कुछ प्यार करे, करके सलम जिम्परे चढ़ाए करे, कुछ कुछ कमरे में कुछ कुछ प्यार करे, करके सलम जिम्परे चढ़ाए करे, बेबी 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 कमना. ओके सर, आप सभी से एक जानना चाहूंगा, मैच्योर कैप उसका उसका ना ऐसा था. ओके, गाना तो आप लोगों ने बड़ा भगवान गया, लेकिन आगे स्पीक फॉर योरसेल्फ. बहुत ही अच्छा था. आप चारों से जानना चाहूंगा, मैच्योर कॉमेडी स्टिल सीन बाय द पीपल एज अ टैबू सब्जेक्ट, व्हाई? Mature comedy depends on which brainwave we're talking about. Some people are mature and some are not. But I don't know what is mature comedy. Some people see it as a taboo subject. Why? But still people go and see it. Watch it. But ये नहीं, पर ये बात में उतनी सच्चाई भी नहीं है भाई. Who sees it as a taboo subject? मतलब अब इतना वो नहीं रहा. ये आप थोड़े वक्त पहले की बातें कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. Especially that's what like Shreya was saying. Web series में ये freedom है कि काफी different genres explore कर सके. And I think because यहाँ पे कुछ censorship नहीं है, people are really putting their best foot forward. वो change करने की ज़रूरत नहीं है dialogue. In fact, इस show में तो on the set और भी add किया जा रहा था. So it's a great platform. I hope it stays like that and more mature comedies come out. क्योंकि मेरे को लगता है आज तक ज़्यादातर जो लोग देख रहे थे is been more immature than mature. This is a very intelligently written screenplay. It's got double entendre, double meanings throughout, and that's quite tough to do with Hindi, you know. And it's funny. You know, मैं एक example आपको देना चाहूँगा. जैसे गोलमाल 3 अगर आपने देखी होगी तो उसमें तेरा लाइट चला गया, चलेगा? चाहे तू ऐसे सामने आ जा, ये ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा. तो गोलमाल 3 में एक सीक्वेंस था जहाँ हम सारे भाई बैठे हैं, मैं और अजय भाई और कुणाल, अर्शद और तुषार बैठे हैं, और हम लोग एक यू नो मूली निकालते हैं, गाजर निकालते हैं, और ऐसे ऐसे सारा चल रहा है. तो दैट इज़ समथिंग विच एवरीबडी एन्जॉय, बिकॉज यार दोस्त जब बैठते हैं बातें करते हैं ना, चले दे दूंगा समझाना, तो ये सारी तो फैमिलीज ने भी देखा, फैमिलीज ने भी एन्जॉय किया, बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट इट, यू नो. सो सिमिलरली इवन इन दिस थिंग, थिंग्स आर नॉटी, थिंग्स आर नॉट वल्गर, यू नो. सो नॉटी चीज़ें हो रही है, वो मतलब जिसे सजेस्टिव भी आप बोल सकते हो, और आप ये बोलने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, ये भी होता है, लेकिन ये वल्गर नहीं है. सो दैट्स द रीजन आई डोंट थिंक कि वैसे कोई इशू वाली बात है. ओके, गोलमाल 3 की बात कीजिए. आज ही आपने देसी आउटा एवेंजर्स का स्क्वाड का जो ट्रेंड में चल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं सिम्बा में आपकी पूरी टीम वापस देखने मिलेगी? एक छोटे ऑफकोर्स कैमियो है हम सभी का, गोलमाल टीम का. तो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सिम्बा. इनफैक्ट रोहित की किसी भी फिल्म का पार्ट होना इन इटसेल्फ एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ होती है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज़. ये सबको हमेशा साथ लेके चलने वाला बंदा है. सो दैट्स द रीज़न आई पुट की देसी एवेंजर्स, बिकॉज इसमें सिंघम भी है, सिम्बा तो है ही, और इसमें अब गोलमाल गैंग भी आ गई है. सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कैमियो दैट वी हैव डन इन द फिल्म, बट आई एम श्योर जब लोगों के सामने वो आएगी गैंग तो उन्हें काफी मजा आएगा. ओके, लास्ट ईयर कल स्ट्रीम हो रही है आपकी वेब सीरीज, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को इन बेबी कमना स्टाइल? देखिए और बेबी देखिए, देखो देखो देखो, कह दिया तो कह दिया, देखो प्लीज देखिए, इसे एंजॉय कीजिए और हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, इतना प्यार दीजिए कि हम लोग सीजन 2 लेके आपके साथ. यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.